रहे पेट्रोल और डीजल के दामों में आम लोगों को त्रस्त कर रखा है। वहीं इस वक्त पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि को लेकर देश की राजनीति गर्म है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पेट्रोल डीजल का मामला राज्य का विषय नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार को दाम कम करने के लिए टैक्स कम करना चाहिए। और उद्योग बहुत सारे डेलीगेट्स आए, आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी आई अपनी बात और उनको लेकर के वे भी हमारी चिंताएं हैं। और राज्य में उद्योग को लेकर के आज उद्योग सचिव से भी हमारी बातें हुई हैं और उद्योग को लेकर निरंतर हमारा प्रयास है कि राज्य में उद्योग लगे और उसके लिए चारों तरफ बातें ले जाई जा रही है। और मुझे लगता है कि इस संक्रमण में भी कई अवसर हमें आने वाले समय में। झारखंड सरकार ने सूबे के 63 डीएसपी का तबादला किया है। मंगलवार की देर रात गृह कार्य और आपदा प्रबंधन विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी की थी। वहीं जारी अधिसूचना के मुताबिक ऐसे पदाधिकारी जिनके पदस्थापन स्थान पर अन्य पदाधिकारी का पदस्थापन हो गया है लेकिन उनका अन्यत्र पदस्थापन नहीं हुआ है, वह पुलिस मुख्यालय में योगदान करेंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सुरक्षा में तैनात डीएसपी पुरुषोत्तम कुमार को चास का एसडीपीओ बना दिया गया है, जबकि विशेष शाखा के कपिंद्र उरांव को रांची के यातायात एसपी बना दिया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कृष्णा जुड़ गए हैं। जी कृष्णा, झारखंड से 63 डीएसपीओ का तबादला हुआ है, क्या कुछ है अपडेट? देखिए, यहाँ पर तबादले की मैं आपको बात बता दूं कि जब भी तबादला होता है तो बीजेपी आरोप लगाती है कि जब से ये सरकार का गठन हुआ है तब से आप देखते होंगे कि यहाँ पर सिर्फ तबादले ही होते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पर रोजगार की जब बात होती है तो भी कहते हैं कि कोरोना काल है, मगर तबादले करने में ये सरकार पीछे नहीं हटी। अभी तक इससे पहले का डाटा जो था कि बीजेपी की तरफ से ही दिखाया जा रहा था कि 3000 से ऊपर तबादले हो चुके हैं, चाहे वो छोटे पद पर हो या बड़े पद पर हो। अभी आपको पता होगा कुछ ही दिन पहले जो एमवी राव प्रभारी डीजीपी थे उनको हटा करके नीरज सिन्हा को डीजीपी बनाया गया, मुख्य रूप से उनके लिए भी हंगामा हो रहा था। तो इस सरकार में एक साल बीतने के बाद भी तबादले का दौर नहीं रुक रहा है और इधर से उधर तबादले हो रहे हैं। और मैं आपको चीज बता दूं कि लॉ एंड ऑर्डर का जो मामला है वो भी कहीं ना कहीं फंस रहा है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो काफिले को रोका गया था, अचानक आकर के रोका गया था, किसी को पता नहीं था, उसमें भी सुखदेव नगर जो थाना है रांची में उसको उसके प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया था। तो ये तबादले का खेल यही है कि लोग कहते हैं कि पैसे के लिए तबादले होते हैं, अगर बीजेपी की तरफ से आरोप है, मगर यहाँ पर जब से सरकार बनी है तब से 3000 से ऊपर तबादले हो चुके हैं। कृष्णा, लगातार तबादलों की वजह क्या है, क्या कुछ अपडेट आ पाया है, क्या कोई जानकारी है आपके पास? देखिए, ये एक बार एमवी राव कह रहे थे जब वो प्रभारी थे डीजीपी थे तो उस समय कह रहे थे कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि दो दो साल अढ़ाई अढ़ाई साल से एक ही जगह डटे हुए हैं, वो कहीं इधर से उधर नहीं जाते हैं, इसलिए तबादला किया जाता है, देखा जाता है कि किसको कहाँ भेजा जाएगा। एक जगह रहने से उनको ज्यादा पैठ बन जाता है तो लोग तमाम तरह की बातें करते हैं, ये सब सवाल एक बार जो प्रभारी थे उस समय कर रहे थे, मगर अब वो नहीं है। फिर भी वही हाल है कि लगातार ये तबादला होता आ रहा है, हर महीने किसी ना किसी कहीं दो तबादले होते हैं, कहीं 10 तबादले होते हैं, पर ये तबादले का दौर अभी रुका नहीं है। जी कृष्णा, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।